हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला नाश्ता, जिसे हम बना के तैयार करेंगे बची हुई रोटियों से। अक्सर ऐसा होता है कि हम रोटियां बनाते हैं और 3 या 4 हमारी रोटियां बच जाती हैं, तो फ्रेंड्स उनको फेंकने से बढ़िया है हम उनका एक यम्मी सा नाश्ता तैयार करें। तो ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सभी से रेसिपी शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया था, और इनको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाए। तो प्याज को भूनते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन कलर इन पे आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इनको भी कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो इन्हें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो प्याज के साथ आलू को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो आलू प्याज के साथ अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा हम इस रेसिपी में मसाले नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। मैंने यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स लिया है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी ओरिगैनो, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस रेसिपी के अंदर। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स, बच्चे तो इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। तो आप लोग पूरी देखिए इस रेसिपी को और बच्चों के लिए प्रिपेयर कीजिए, और अपने जो कमेंट हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, और अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूंगी 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चटपटी सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। आप अगर चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर एक बाउल में मैं डाल दूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 2 से 3 चम्मच ही म्यूनीज। तो म्यूनीज डालना टोटली ऑप्शनल है, आप डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। टमाटो सॉस तो सभी के घरों में होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी डिप बन गई एक बहुत ही अच्छी, जिसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने बची हुई रोटियों से कर रही हूँ। तो मेरी ये 3-4 रोटियां बच गई थी, तो फेंक भी नहीं सकते फ्रेंड्स, कोरोना काल है, बहुत ही मुश्किल का समय है, तो सभी चीज़ों का हमें बेहतर यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे इन रोटियों को ले लिया है, और इसी से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये चपाती ले लेंगे, और उस पर जो हमने ये डिप तैयार की है इसे लगाएंगे। फ्रेंड्स, बच्चे को तो ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी, मेरे बच्चों को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो इस तरह से मैंने ये लगा लिया है, और अब मैं इसको सेंटर में से इस तरह से कट करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं रोटी को कट कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से कवर होनी चाहिए हमारी रोटी। और अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है, उसे मैं यहाँ पे इस तरह से फैला दूंगी। तो इस तरह से हमें ये चारों तरफ फैला देनी है स्टफिंग रोटी के ऊपर। इस तरीके से आप जो भी सब्जियां डालना चाहें फ्रेंड्स, इसमें डाल सकते हैं आलू के साथ। तो इस तरह से देखिए, हमने ये आलू की स्टफिंग रोटी पे इस तरह से लगा ली है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद आती है।
तो मैं सारे में इस तरह से चीज़ लगा दूंगी, और जो बच्चे रोटी नहीं खाते वो भी ये बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अब ये हमें एक कॉर्नर उठाना है और इस तरीके से इसको हमें रैप करना है। ये देखिए इस तरीके से प्रेशर देते हुए, ये देखिए मैंने रोटी को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं फिल कर लिया है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी चपाती भी इस तरह फिल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सभी रोटियों को इस तरह फिल करके रख दिया है और अब हम इन्हें सेकने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोबारा हमने वही पैन ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ा चम्मच ऑयल, ताकि हमारे जो ये नाश्ता है अच्छी तरह से सिक जाए और इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने पर अपना इस तरह से हम नाश्ता रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक सके। तो हमें उतना ही नाश्ता रखना है जितना हम आसानी से पलट सके। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से सिकने देते हैं। कर लेते हैं अपने नाश्ते को इस तरह से हल्का सा पलट देते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया नीचे से ये। तो इसी तरह से दोनों तरफ से हमें इसे क्रिस्प कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पसंद आने वाला है। देखिए अच्छी तरह से हमारा नाश्ता सिक चुका है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी देखने में लग रहा है। फ्रेंड्स खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के भी नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी बार का भी हमारा नाश्ता सिक के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी हमारा नाश्ता लग रहा है। तो इसे भी मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी और आगे सर्व करने की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारा बची हुई रोटियों से नाश्ता बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं इसी तरह की ईजी और हेल्दी रेसिपी के साथ।